डॉक्टर मनोज इंसा और विनोद इंसा यूपी से। पूजा जी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने दिल के बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। समस्त परिवार ने आप जी के चरणों में प्रार्थना की कि बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर दो। आप जी ने प्रसाद भेजा और प्रसाद लेने के बाद डॉक्टर को चेक करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और जो ऑपरेशन पर खर्च होना था हमने वो सब परमार्थ कर दिया जी। बेटा याद है हमें, आपने वहां बात कही थी, सामने खड़े हो आप लोग, तो यही तो है ना दर्द जकीन। सात संगत जी, जो कच्चा तू हमार दे, खास करके ध्यान नाल देख लो, फिर भी कच्चा तू हमार दे, इन्हों मिल भी लियो, ये फिर भी मार दे तो फिर कर्मी माड़े हैं। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। तो बेपरवाह जी का रहमो करम कि मैं मुसला धार बरस रहा, कितने बाईपास सर्जरी, हुण किन्ने डाक्टर बैठे होणगे, बूंदी खाण नाल बाईपास सर्जरी ठीक हुंदी है? कोई साइंस कहती है गल, पर रूहानियत कहती है बूंदी छड़ो, वो परम पिता परमात्मा हुक्म कर दे और संत एक निगाह मार दे, कबर चो मुर्दे खड़े हो जाने, तो कैंसर की गल है या कोई बीमारी की गल है? पर गल दर्द यकीन तो होना चाहिए ना। सतगुर रहम तो देवे, तुसी तौड़े च चप्पल ला दो भी मैं नहीं पवाउंदा जी, ना जी मैं तो झोली करता ही नहीं, फिर सतगुर की करे? जिन्हों दर्द यकीन वह झोलियां अड लेंगे, अड्डन की लोड़ ही नहीं पैंदी, सतगुर जेबा ही भर देंदा ले जाओ। सो ये सच्चाई है। आशीर्वाद बेटा, उनको कहना सिमरन करते रहे, मालिक ने रहमत की है। आशीर्वाद आशीर्वाद।